और इस लाइव ब्रॉडकास्ट में अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक जो जो भी लोग टीचिंग प्रोफेशन के साथ है, स्पेशली हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसके मुताबिक जो असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकला है जिसके मुताबिक जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला है, एक पॉलिसी फ्रेम की है पीएचडी को लेकर, पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है कि जो सपोर्ट करेगा कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को कि वो अपना पार्ट टाइम पीएचडी परस्यू कर सकते हैं और विदाउट उनकी जो ड्यूटीज है, एजुकेशनल ड्यूटीज है, वो जो है उस पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दैट मीन्स इस ऑर्डर के मुताबिक जो भी एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी जो एकेडमिक्स है वो उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस ऑर्डर के मुताबिक जो ऑर्डर इशू हुआ है हायर एजुकेशन के, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि इन सप्रेशन ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर, इसके बारे में जो प्रीवियस ऑर्डर जो सैंक्शन इशू किए गए थे पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के बारे में कि जो हायर एजुकेशन में जो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर है उन्हें पीएचडी, अगर वो पीएचडी करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। इसके लिए जो है डायरेक्टर कॉलेज को ये हिदायत दी गई है कि वो एक हर साल जो है मार्च में एक नोटिफिकेशन इशू किया करेंगे जहां पर वो एप्लीकेशन जो है वहां पर तलब करेंगे फ्रॉम द फैकल्टी, जो भी ऐसी फैकल्टी जो ख्वाहिशमंद होगी कि वो पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्टर कॉलेज जो है ये एप्लीकेशन इशू करते हैं। इसके साथ साथ जो भी इंटरेस्टेड होगा पीएचडी करने के लिए उन्हें अप्लाई करना है डायरेक्टर कॉलेज के में थ्रू द प्रिंसिपल, जो उनके प्रिंसिपल होंगे अपने कंसर्न उन्हीं के थ्रू उन्हें अप्लाई करना होगा इस चीज के लिए। और जो फैकल्टी है एक डिटेल्ड स्टेटमेंट, चाहे कोई भी जो चाहेगा कि वो एक पीएचडी में पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहेगा उसे एक डिटेल्ड स्टेटमेंट देना होगा जिसमें उन्हें ये बताना होगा कि उनका पीएचडी का मकसद क्या है, वो पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, इसका पर्पस क्या है और उनकी जो एकेडमिक ड्यूटीज जो है कॉलेज में वो जो पढ़ा रहे उसमें तो कोई असर तो नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक कमेटी भी बनाई जाएगी, जो एक कमेटी भी बनाई जाएगी जिसमें दो नोडल प्रिंसिपल्स होंगे जो असेस करेंगे कि अगर कोई शख्स पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है कोई भी फैकल्टी, उसके पीएचडी ज्वाइन करने से उसकी एकेडमिक ड्यूटीज पे तो कोई असर तो नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर होंगे वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे पीएचडी के लिए एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पर विद इन अ ईयर उन्हें परमिशन जो है पहले जब दिया जाएगा फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ 10% जो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे हर किसी सब्जेक्ट में उन्हें एडमिशन दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा ताकि वो अपने आप को रजिस्टर करें पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। मैं आपको बता दूं ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर है इन्हें काम करने की इजाजत दी जाएगी, इनको अलाउ किया जाएगा कि वो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सके और अपना रिसर्च वर्क भी वो कैरी कर सकते हैं कॉलेज में और अपने जो है या रिसर्च में कोई जो करना होगा विद इन द वर्किंग आवर्स ऑफ कॉलेज, जो उनके वर्किंग आवर्स होंगे और एंड ऑन द हॉलीडेज जब उनकी छुट्टियां भी होगी तब जाके वो अपना ये कॉलेज वर्क और रिसर्च वर्क और फील्ड वर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये एक कैसा रिएक्शन इस चीज को लेकर रहेगा एसोसिएट प्रोफेसर्स का और असिस्टेंट प्रोफेसर्स का कि वो अपना पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे या तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं कॉलेज जो कॉलेज में इस टाइम पे पढ़ाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसके मुताबिक वो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सीरीज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है उन फैकल्टी के लिए और अंडर उन सर्कमस्टेंसेस वो उस पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके तनाजुल में जो है डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेज को जो है ये हिदायत दी गई है वो एक एप्लीकेशन इशू करेंगे जहां पर वो एप्लीकेशन तलब करेंगे और ये एप्लीकेशन हर साल मार्च के महीने में इशू की जाएंगी। जी हाँ, सबसे जो खबर जो है ये इस टाइम पे एजुकेशन के हवाले से जो आ रही है, जो भी फैकल्टी है कॉलेज में वो पार्ट टाइम जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसे बहुत सारे जिन्होंने मास्टर्स तक कंप्लीट किया फिर पीएचडी नहीं किया है तो उनके लिए खबर है कि वो अपना पीएचडी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी टीचिंग को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।